अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या आपने कभी बिगन को इस तरह बनाकर खाया है? अगर नहीं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके बनाएं। तो आज इस मुतल्लिक एक मनपरिद रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें और घंटी के बटन को ऑन कर रखें जो कि हर वक्त नए वीडियोज़ की मालूमत आपको मिलती रहे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 अदद बैगन लेंगे। इसकी कटाई कुछ हम इस तरह करेंगे। तो अभी हम इस बर्तन में 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। थोड़ा नमक ऐड करेंगे। अभी हम इसे रखेंगे 30 मिनट के लिए। फ्रेंड, 30 मिनट कंप्लीट हो गया। हम इसकी कटाई कुछ इस तरह करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। हम बकाया बैगन की कटाई इसी तरह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कटाई का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए पानी में रखेंगे। थोड़ा नमक इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है और इसमें हम मकदार के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। मिक्स मसाला में हमने ज़ीरा, लाल मिर्च, धनिया, कटर मिर्च, साबित धनिया, हल्दी, पत्ता, गरम मसाला पाउडर और पीसा धनिया हमने ऐड किया है। मकदार के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे तैयार करेंगे इसी तरह से। अल्लाह, ये रेडी हो चुका है। अभी हम इस बैगन में इसी तरह ऐड करके जाएंगे। बकर बैगन पर हम इसी तरह मसाला लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तेल गर्म हो चुके हैं। अभी हम इसको इसी तरह ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका एक साइड फ्राई हो चुके हैं तो दूसरा साइड इसी तरह हम फ्राई करेंगे।
बिस्मिल्लाह ये पढ़ चुके हैं, तो बकाया जो एक बचा है इसको हम इसी तरह पढ़ाई करेंगे। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।